क्या हाल है दोस्तों। तो हम पहुंच गए हैं, मेरी जो वाइफ है उनकी एक फ्रेंड यहाँ रास्ते में रहती हैं, तो उनको पता चला कि हम रोड ट्रिप पे हैं। जैसे मेरी वाइफ जो हैं जो चेक इन करती हैं उस पर फेसबुक पे चेकिंग करने का रीज़न ये है ताकि पता चलता रहे यार प्यारों को कि हम किस जगह पे आसपास हैं। अगर बाई चांस कोई मुसीबत में फंसते हैं या कुछ भी होता है तो एटलीस्ट लोगों को पता रहे कि लास्ट टाइम लोकेशन वो थी, तो इट्स अ गुड आइडिया। तो जैसे चेक इन किया तो मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है उसको पता चल गया था कि हमारे हैं यहाँ पे, तो उसने कहा कि घर पे ज़रूर आना है, आपको मिले बिना नहीं जाना। वो पहले मेलबर्न रहते थे हमारे घर के बगल में और अभी एडिलेड शिफ्ट हो गए हैं, तो काफ़ी साल के बाद मिल रहे हैं। आइए उनके घर चलते हैं, उनसे थोड़ी बातें करेंगे। तो अनदर थिंग इज़ वो मम बनी है नहीं, तो ये बेबी हुआ है, बेबी बॉय 1 जनवरी को। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या नाम रखा है आपने बेबी का? एकम जी। एकम। मिस्टर एकम जी अभी आराम फरमा रहे हैं तो इनको आराम फरमाने देते हैं। तो पापा कहाँ पे हैं? आप मेलबर्न से यहाँ पे कितने साल हो गए आपको शिफ्ट हुए? मेलबर्न से कितने साल हो गए आपको यहाँ? 1 साल। 1 साल। तो क्या बेटर यहाँ पे बेटर है या मेलबर्न में बेटर था? मेलबर्न बेटर है, लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम मेलबर्न में ही बिताया इसके बर्थ के बाद भी ना। अच्छा। मैं वहाँ पे चली गई थी वापस। ओके। तो ये मेलबर्न में रहते थे 1 साल से, एडिलेड में है। तो अभी अभी इनका मैंने पूछा तो इनका अभी इतना ज़्यादा मन नहीं लगा है तो हम आए तो इन्होंने थोड़ा लंच का प्लान करा था, तो हमने कहा कि भाई लंच तो हम खाएंगे नहीं, इतना टाइम है नहीं, तो थोड़े बस रिफ्रेशमेंट करेंगे और निकलेंगे। तो आपकी जॉब वगैरह कहाँ चल रही है? काफ़ी बिजी हैं बताऊँ जब 2 सहेलियाँ मिलती हैं तो वो भूल जाती हैं आसपास कौन है, क्या चल रहा है, तो ज़्यादा दुखी नहीं करते इनको। चलो हम बैठते हैं, कोक बिस्कुट का आनंद लेते हैं और कैंपा कोला का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं Good day mate, how are you? Good, thank you. My name is Amit. What do you got there? I'm shooting you. Oh, boom! Boom! You're shooting me. So, इन भाई साहब ने अभी यहाँ पे आके घास की कटाई की है, आगे और पीछे, और इन्होंने कमाए हैं टोटल $100। सिया बाड़ी। तो वो एकदम से सरप्राइज हो गए जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उन्हें शूट कर रहा हूँ तो आइए बैकग्राउंड दिखाएंगे आपको जहाँ पे घास काटा है। घास ठीक काट दिया। घास ठीक ही काट दिया, काफी ऊंचा था। तो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, इसको रिस्टोरेशन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा रिस्टोर तो करना पड़ेगा इसको। अच्छा, बंद कर दिया था। किनका? जिनका घर है। ओके, तो आप रेंट पे हैं अभी? ओके ओके। तो हम अंदर का ही सारा इनका ही पहले से ही सामान पड़ा था, वो मेलबर्न में रहते हैं जिनका घर है। ओके ओके ओके। तो वो लेके नहीं गए अपना सामान? उन्होंने मतलब प्रॉपर्ली खाली नहीं किया था। ओके। मतलब काफी तो नहीं यूज करते थे वो, पीछे ही ऐसी छोड़ दिया उन्होंने। कोई बात। ऑल गुड। तो $100 में वो घास काट के गया आज। कितना टाइम लगाया होगा उसने? तो संदीप जी जो हैं ये नर्सिंग का काम करती हैं। तो जैसे ही इन्होंने स्टडी ख़त्म करी, इनको स्टडी ख़त्म करने के आपने क्या नर्सिंग में कौन सी स्टडी की? बैचलर ऑफ नर्सिंग करी आपने कहाँ से? होमक्लेम मेलबर्न से। और टोटल कितनी फीस लगी आपकी पूरी स्टडी की? फीस थी जब मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर में थी 11,000 6 मंथ की, और उसके बाद सेकेंड ईयर से 13,000 एंड देन 14। तो 11, 13, 14, तो 30, 40 करीब $38,000 $38,000 तो लगभग 20-25 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से तो इतनी फीस लगी थी इनकी। तो बट नर्सिंग में इन्होंने कहा है कि ये सुख है नर्सिंग का कि जैसे ही स्टडी कंप्लीट करी तुरंत जॉब मिल गई। बाकी जो दूसरे स्ट्रीम्स हैं स्टडी के, जैसे अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स और MBA वगैरह की डिग्री, वहाँ की डिग्री में करने के बाद जॉब्स नहीं मिलती, बच्चे पैर रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। तो अगर आप आएँ मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए तो कोशिश करें कि मेडिसिन की फील्ड में आए। फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है, नर्सिंग डेंटिस्ट्री है और MBBS है, और वो कर सकते हैं। करते ही आपको जॉब की गारंटी है और परमानेंट रेजिडेंसी की भी गारंटी है। तो आपकी स्टडी से आपको परमानेंट रेजिडेंसी में हेल्प मिली कुछ? मेरे हस्बैंड थे पहले परमानेंट, तो मैं स्पाउस वीज़ा ही डाला मैंने। ओके, तो इनको तो ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप नर्सिंग करेंगे, हैं, इन्होंने ट्राई ही नहीं किया। तो लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया आके नर्सिंग पढ़ते हैं तो आपको तुरंत जॉब भी मिलेगी, परमानेंट रेजिडेंसी भी मिलेगी, जो कि काफ़ी एक सुख की बात है। एक वो कहते हैं ना कि भाई परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई, जॉब मिल गई, अब दिल को कलेजे को ठंडक पड़ी। चलो फिर इतना ही, थैंक यू आपकी जो आज आपने जानकारी दी तो यहाँ पे एक डब्बा रखा है ब्लू लेबल का, भरा हुआ है तो एक रात के लिए डब्बा और एक सुबह के लिए डब्बा दो डब्बे रखे हैं, एक हस्बैंड का और उनके ब्रदर का। चलो ठीक है जी, थैंक यू। तो चलो फिर गुड बाय बोलते हैं, चलते हैं। बाय बाय एकम। अब मेलबर्न आके मिलेंगे एकम से चलो बाय बाय बाय। तो एकम जी से मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम डोंट नो व्हेन, जब मेलबर्न आओगे आप लोग टाइम निकाल के चलो चलो चलो। थैंक यू, बाय बाय। तो हम निकलेंगे। एक सबर्बन स्ट्रीट ही है, सोचा था 15 मिनट में निकल लेंगे, बट 15 मिनट के कब 1.5 घंटा बन गया पता ही नहीं चला। फिर मैं भी कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम के बाद मिल रही थी तो थोड़ा बात कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे फ्लिंडर रेंजेस, जो कि एक बड़ा नेशनल पार्क है। तो जैसे पहुँचते हैं वहाँ पहले हॉकर जाएंगे, एक छोटे से टाउन में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जी, फिर बने रहिए।